जा रहे हैं और एक गांव का माहौल है, क्योंकि देखो बहुत देर हो गई, एक डेढ़ घंटे से बारिश आ रही है और पूरी अभी भी बारिश आ रही है फिलहाल, पर फिर भी कम कम बारिश में अब चलते हैं, निकलते हैं। ओके इसी का बाय बाय। कितना कीचड़ हो रहा है यार यहाँ पे, गांव में ऐसे होता है। अट जाना रानू। अच्छा आपको पता है शाम का टाइम होता है और गांव में पैसे पहुंच जा रहा है, क्योंकि पैसों ने ना रास्ता ही नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से तो पैसों पास। और वो अंकल जी तो कहने लगे कि पास आपको फोटो क्या था। हां गांव के तो अबे यार उनको क्या पता कि हम लोग शूट कर रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस जारा ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। और अभी मैं बना रही हूँ पोहे, आ जाओ मेरे साथ देखो। और है ना देखो आज संडे है तो मैंने सोचा पोहे बना लेते हैं। और वैसे भी ना आज संडे है तो मेरी भी छुट्टी है स्कूल की, और इनकी भी संडे की छुट्टी रहती है, बाकी इनको 6 दिन तो काम करना पड़ता है। और मैंने सोचा घर घर में बोर हो जाते हैं तो थोड़ा आउटिंग के लिए चलते हैं, मतलब हम दोनों जा रहे हैं मेरी यहाँ पे। तो गाइस आज संडे तो मैंने पोहा बनाया था, और आज मेरी भी छुट्टी है और इनकी भी छुट्टी है। गाइस चलते हैं फटाफट से पोहे खा लेते हैं, और मैं तो नहाली रेडी होने वाली हूँ, और ये अभी नहाए नहीं तो ये नहा के रेडी हो जाए। मैं नहाऊंगा तो पोहे वगैरह जल्दी से बना, क्योंकि हम खा के और रेडी होके और फिर चलते हैं। तो फिलहाल अब्बा भाई भी नहा के तैयार हो चुका है, और अभी भी देखो पोहे बना रही है तो क्योंकि बन गए मेरे लिए, तो पोहे भी आ गए ठीक है ना, तो इसके भी आ गए, तो जल्दी से पोहे खा लेते हैं ठीक है ना। और बताते कैसे बने, तो जल्दी से पोहे खाते हैं और रानू को टेस्ट करके बताते हैं। बहुत ही स्पाइसी बने। वाओ यार क्या पोहे बनाया यार, थैंक यू यार, एक बार है तेरे हाथों में तो जादू है यार स्वाद का। वो तो है ही बचपन से ऐसे ही, मैं बहुत बनाता नहीं था, मैं सारी बात सच बता रहा हूँ, ये दाल भी इतनी टेस्टी बनाती है ना दाल। हाँ बहुत ही, देखो पोहे भी जैसे मार्केट में मिलते हैं ना वैसे, बहुत ही टेस्टी बनाए हैं, खा लेते हैं फिर चलते हैं। आपको भी आगे रास्ते की शेयर करवाते हैं, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, वैसे इसने बता ही दिया तो चलते हैं आपको। पोहे ठंडे वाले हैं सही में, आपके लिए ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो जल्दी से खा लेते हैं, फिर खा के फिर मिलते हैं बाहर चले। तो फाइनली पोहे वोहे खा के और मतलब तेल भी लगा के बालों में, तो आपका भाई तो तैयार रेडी होके बैठा है, और वो देखो उसको कब से मतलब तैयार हो रही है और मेकअप किया जा रही है भाई इनका, लेडीज़ों का पता नहीं, लेडीज़ों का अलग ही जो भी है अलग ही चोच ले, और अपना जो लड़कों का है ना, लड़कों का ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहाए बाल सुखाए और सिर पे तेल लगाया बस तैयार, और कुछ नहीं मेकअप वेकअप नहीं, कुछ जरूरत है नहीं, तो जल्दी से तैयार हो जाए फिर निकलते और चलते हैं। बहन के जाने से पहले उसके गांव में मंदिर है भैरू जी महाराज का, तो हमारे गांव की तरफ बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो फिलहाल तो भैरू जी महाराज के मंदिर में आके ढूंक देखे फिर चलते हैं वहाँ से उसके घर और दर्शन कर लेते हैं भैरू जी महाराज के, और आप लोग भी करो तो जल्दी से डॉप वगैरह दे लेते हैं और फिर चलते हैं। आपको पता लगे आज संडे और बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है हमारे गाँव की तरफ क्या, हाँ वो बोल देना उसको, अंकल जी का नाम ले लेना ठीक है उनको। अरे हमारे जो अंकल जी है ना, उन्होंने मतलब यहाँ पे भैरू जी महाराज के वो धार चढ़ दी है, तो पैसे दे के भेजे थे, तो उन्होंने उनका नाम लेके ऐसे बोला था दाजी जानते, तो ठीक है बोल दिया रानू ने ठीक है, क्योंकि हमारे अंकल जी ने फरमान भेजा था कि वहाँ पे जाके पुजारी जी से ऐसे बोलना, तो जल्दी से दर्शन कर लो वहाँ से डोग वगैरह देखे हो। राम राम। और मैं आ चुका हूँ मेरी बहन के घर, और ये हमारे ज्वाई जी है और ये छोटी बहन है क्या, मैं समझ रही थी दीदी को, मैंने बोला भाई क्या कह रहा था भाई, उसमें एक्स्ट्रा दिमाग भी है तो उसमें सही बता, उनको पता ही नहीं था आ रहे, वो तो चौंक गए, ये ना कहीं फोन वहां से करियो जो आप पता चल गया था क्या, देख मैंने बोला था ना इनके एक्स्ट्रा दिमाग है और लगा लिया होगा, उसने आपको पक्का थोड़ी ना था कि मैं आऊंगी, हाँ इसी का कहा बैठ जा आराम कर ले। मेरी भांजी है, भांजी आ गई बाहर खेल रही थी, और आपको पता है गांव में तो ऐसे खेलते हाय हाय, तू फोन में क्या कर रही है, मैं कुलदीपा को वीडियो कॉल करूंगी, उनको सरप्राइज दूंगी आज पूरा, ये देखो ये क्या ऐसे आती है ना, ये बिना बताए आती है और सबको फिर कॉल कर करके बताती कि मैं यहाँ आ गई, यहाँ हाँ सही है, अरे बिट्टू अरे बिट्टू। और देखो यहाँ से आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल खेत वगैरह है, और यहाँ से खिड़की में ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है, और बिल्कुल खेतों का व्यू दिखता है बहुत अच्छा बाहर का व्यू, और ये देखो ये सबके कॉल करके सबको बता रही है भाई मैं आ गई यहाँ पे आ गई यहाँ पे आ गई, हाँ इसी का क्या खाएगी, क्या खाएगी बेटा, कचौरी ये बात कचौरी देने इसको, और इसको कचौरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कचौरी लेके आया था इसके लिए खाने के लिए,
तभी कचौरी खा रही है। और लेके आया था, मैं लेके आई थी। हाँ तू लेके आये, मैं लेके आया, दोनों लेके आये ना, दोनों लेके आये ना। तो देखो मेरे छोटे भाई को वीडियो कॉलिंग करके और दिखा रही है, यहाँ पे यहाँ आगे देखो सबको बताएगी अभी वीडियो कॉल करके। तो ये देखो मेरे पापा का कॉल आ गया और मेरे पापा को बता रही है इधर, इसको मेरी भांजी को, हाँ सबको मतलब वीडियो कॉलिंग बता रही है ना इसका। चले चले इसी का बाय बाय बाय। तो फाइनली अब जाके जा रहे हैं और एक गांव का माहौल है, क्योंकि देखो बहुत देर हो गई, एक डेढ़ घंटे से बारिश आ रही है और पूरी अभी भी बारिश आ रही है फिलहाल, पर फिर भी कम कम बारिश में अब चलते निकलते रेबत बस चले। ओके इसी का बाय 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 चले। कितना कीचड़ हो रहा है यार यहाँ पे, कीचड़ हो रहा है, इनको हटाने यार। मैं कैसे हटाऊंगी, अरे मेरे पोछे पे पोछ के मारे की ये भारती, इसने पोछ की ले रहा है कोई कपड़ा है। देख हमारे गांव के तो यहां पे कीचड़ तो, इनको भैंसों को देखना, भैंसों को देख, गांव में ऐसे होता है, हट जाना रानू। अच्छा और यार बारिश में तो ऐसे होता है ना गाँव में, क्योंकि अभी बारिश आगे जस्ट अभी गई है और क्योंकि एक डेढ़ घंटे से बारिश आ रही थी। ये देख मैं बचपन में इसकी तरह खेलता था ऐसे टायरों से। हाँ तो जल्दी से चलते हैं और देख लो शाम का टाइम तो भैंसे भैंसे हो रही है, ये देखो और भैंसे आ गई। बारिश क्या मौसम हो रहा है, तेरी जान पहचान वाली क्यों इतनी सारी क्यों मिल रही है, मेरे भी दे लिया। आराम से निकलते तो जल्दी से निकलते हैं क्योंकि बहुत देर से निकल जाते, पर अब जगह अब रास्ता ये रास्ता में छोड़ेगी नहीं। तो यार फाइनली वहाँ से तो निकल के आ गए और क्योंकि आपको पता है शाम का टाइम होता है और गांव में पैसे बहुत ज्यादा, क्योंकि पैसों ने ना रास्ता ही नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से तो पैसों को पास। और वो अंकल जी तो कहने लगे कि पास आकर फोटो खींचो। गांव के तो अभी यार उनको क्या पता कि हम लोग शूट कर रहे हैं, और है ना इतना इतना कीचड़ हो रहा था ना गाँव में, और अभी भी बारिश हल्की हल्की सी बारिश आ रही है और देखो पूरा बारिश की वजह से पूरा गीला हो रखा है। तो चलते हैं फिलहाल तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी, बड़ी मुश्किल से अभी मेरे को जाके, और सामने से ट्रैफिक वगैरह आ रहा है तो मेरे को जाके अभी ब्लॉग भी अपलोड करना है, इसलिए मेरे को वहाँ से आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो एडिट वगैरह तो हो गया पर बस ब्लॉग अपलोड कर, ब्लॉग अपलोड करना है और यहाँ पे गाँव में इतनी नेट की व्यवस्था है नहीं, तो जल्दी से बूंदी पहुँचते हैं और फिर ब्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि 7 बजे तक कैसे करके ब्लॉग पब्लिक करना है। तो चलते हैं जल्दी से। ये देखो और निकल गया है और से भैंसे मिल गई बहुत सारी, अभी आ रही थी। हाँ और शाम का टाइम इतना है ना, मतलब इतनी सारी भैंसे मिल रही है क्योंकि शाम का टाइम है बिल्कुल ही, और शाम को तो आप लोगों को पता है गांव में तो ना, अरे यार खेतों में से, हाँ खेतों में गांव में ऐसे होती है भैंसे, खेतों में से आते ना, खेतों में से खाना वाना खा के और इनका जो भी भोजन है वो करके आती रहती है। और देखो यार जो ये धान है ना, चावल है ना, इधर भी देखो तो इनमें है ना, मतलब बहुत दिनों से बारिश की जरूरत है और हमारे घर पे भी जरूरत है, और देखो पानी पूरे रास्ते। हाँ मेरे को तो टेंशन, मेरे पापा से बात हुई ना तो मेरे को टेंशन हो रही थी, वो बोले कि पानी नहीं है, पानी के बिना सूख जाएगा, तो देखो इतना सारा पानी भर गया खेतों में। और तो मैं मोबाइल को रख देता हूँ यार, देखो शाम के टाइम पे गाय भैंसे बकरियां सब आ रही है और ऐसे मिलती रहेगी, तो जल्दी से पहुंचते बूंदी, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी टेंशन ब्लॉग अपलोड करने की हो रही है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, तो जल्दी से चलते। गाइस फाइनली पहुंच गए, और देखो रानू की साड़ी देखो, और पूरे अभी तक देखो बारिश आ रही है, तो जल्दी से मेरे को जैसे मैंने बोला कि ब्लॉग मेरे को अपलोड करके आना है, तो जल्दी से चलता हूँ और ब्लॉग अपलोड करके आता हूँ। और देखो इसकी सिचुएशन, साड़ी पूरी खराब हो गई, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो फिलहाल तो आपका भैया ना वीडियो पोस्ट करके आ चुका है और बड़ी मुश्किल से वीडियो पोस्ट हुई है, अभी तक भी मैंने गीले कपड़े पहन रखे जो खराब हो रहा है, और इसको देखो ये बिल्कुल कपड़े वपड़े चेंज करके और लग रही है मोबाइल में, इसकी फ्रेंड का बर्थडे तो मोबाइल में लगी हुई है। वो मेरी फ्रेंड ने ग्रुप बनाया तो हम चैट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तुम ब्रेंड ब्रेंड है ना, हाँ रे हम भी इसमें लगे रहूँगी। और क्या तुम, तेरी सासू है, मेरा घर वाला है, मेरा वो बस हो गया था, हम सब फ्रेंड्स की शादी हो गई, तुम सब मेरे को पता है ना, क्योंकि ऐसे ग्रुप बना के बात करते हो आदित्य की लव मैरिज है अपने। हाँ वही तो जो ऐसी बात, मेरा पति तो ऐसा है, मेरे पति तो यूं है, मेरे पति तो सिगरेट पीते हैं, मेरे पति तो सिगरेट नहीं पीते, मेरे पति तो ऐसे करते हैं, मेरे पति तो ऐसे थे, मेरे पति दोस्त, तुम लोग तुम लेडीज से बस यही बात करते, हम तो अरे ग्रुप रूम में नहीं करते, हम तो करते ऐसे कर लेते बात करते, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से वीडियो पोस्ट हुई है। हाँ तो क्या खा रही थी फोन कर करके मेरे को बार बार, खाने का जो बना लेना कुछ भी, मैं कहूंगा जो बना देगी, कुछ नहीं बनाते ना, थक गए ना, चुप रह सड़ी वो मैंने ना।
तो तेरे को नहीं लग रही है, मेरे को तो लग रही है, मेरे को तो पोहे से भूख मिट दी यार, खत्म हो गया, निकल जाएंगे तो तेरे को चाहिए क्या, लेगी पोहे, पोहे लेगी क्या, पागल हो गए तुम, बनाने में दूसरे पड़े हैं तो मैं कुछ। तो फाइनली भी शाम के 7 बज चुके हैं और मैडम तैयार होके जा रही है इसकी फ्रेंड के बर्थडे में, जो कि वो बार बार पूरे फैमिली वाले फोन कर रहे हैं। हाँ तो रानू को जाना है और ठीक है तेरे को ड्रॉप करके आता हूँ फिर, क्योंकि गाइस वो है ना, मुझे फैमिली ऐसे लगते हैं बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, तू जा फिर ड्रॉप, इसको मैं छोड़ के ड्रॉप करके आता हूँ, फिर वापस आने के बाद मिलते हैं। चलो रानू को मैं अभी इसकी फ्रेंड के घर से लेके आ गया हूँ और बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करके आ चुकी है। तो कैसा रहा बर्थडे, बेचारी प्रिया तो किसी के लिए बोल ही नहीं सकती अभी, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप करते नहीं हो कि 8 दिन में खाते रहो, चाहे आयो मंगाते रहो, त्यार हो या आयो क्या आता है, स्टडी कराई मारी लुगाई कर लो बस, ये काम तो ज्यादा खाओगी तुम मोटी भांस की नहीं हो जाओगी ना, ज्यादा बोलो मत, धमबागी नहीं हो जाओगी मोटी, दिख रही हो क्या, नहीं नहीं, नहीं, नहीं है तू मोटी। एक बात तो आजकल बहुत क्यूट लग रही है, बहुत ही गाल वगैरह ऐसे फूले फूले, पता है मेरे से क्या, मैं कवर लगा के हूं तेरे गाल ऐसे फूले फूले, इसलिए खींचने का मन करता है, फिर दर्द भी तो मेरे गालों में, ओ कोई दिक्कत नहीं। तो ओके गाइस मैं ना बर्थडे में से आ गई हूं, अब आपको ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको हां एंड करते, क्योंकि मेरे को तो बिग बॉस देखना है, बिग बॉस आ रहा है, एंड कर भगवान, तो ये और इनका बिग बॉस तो ऐसा पता रहेगा, तो इग्नोर कर दो इनको, तेरे को लेने गया ना इसलिए मैंने बिग बॉस अभी छोड़ दिया, नहीं तेरे को पता है मैं बिग बॉस नहीं छोड़ सकता। ओके तो गाइस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, और आपको ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पूरी एंड तक देखना प्लीज। तो बाय, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।